तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में यहाँ से देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मेरे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी बताया जाएगा और इसका फुल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में से नहीं छूटेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी का पेपर कैसा आया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपका हिंदी का पेपर हुआ ना, ये बिल्कुल उसी प्रकार का आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरे बताए गए सभी वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, और सुबह मैंने आपको सेट सी दिया था। अगर आपने तीनों सेट अच्छे से देख लिए होंगे ना, तो पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनकर आया है। मगर कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा पेपर नहीं आ रहा है जैसा कि आप बता रहे हो, तो देखिएगा ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। उसी वीडियो में आप लोग कमेंट देखिएगा, कुछ कमेंट ऐसे भी है जो कि कह रहे हैं हाँ सर यही पेपर आया था। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करते हो कि YouTube पर वीडियो देखते हो सर्च करके। अब सर्च में जो पहले आ जाता है उसको देखकर आप लोग चले जाते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि एक ही वीडियो देखकर जाते हो और आपको ये लगता है कि ये वीडियो आएगा। मगर होता क्या है कि हमारे द्वारा आपका जो पूरा पेपर होता है ना, वो तीन हिस्सों में अलग अलग वीडियो में बताया जाता है। अगर आपने तीनों पार्ट देखे होंगे, यानी कि तीनों भाग उसके देख के गए होंगे आप, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पूरा का पूरा पेपर वहीं से ही बनकर आया है। अब देखिएगा आप सभी लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, इसके बाद सेट बी बताया जाएगा, इसके बाद में सेट सी और सेट डी भी बताया जाएगा। अगर आपने सारे सेट पेपर अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से बनकर आएगा। अब चलिएगा समझ लेते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका ये जो पेपर है ना, ये किस प्रकार का आएगा। देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आप लोग यहाँ से इसे देख लें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से आप लोग समझ लेंगे और पूरा का पूरा ऐसे देख भी लेंगे। ये पैसेज दिया गया आप सभी को इन हिज बुक अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन। देखिएगा ये पूरा का पूरा बताया गया पैसेज। अब इस पैसेज के आंसर को देखते हैं, तो देखिएगा आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना, उसका आंसर डी नंबर का हो जाएगा, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टेज टेक्निक। यानी कि देश डेज ड्यू टू ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज अवेलेबल न्यूट्रिएंट वाइड थ्रोट आउट द ईयर। यानी कि आजकल सारी सब्जियां हर मौसम में उपलब्ध कैसे हो जाती है, ये इसका कुछ मीनिंग होगा। तो इसका उत्तर यह आ जाएगा डी नंबर का। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया है। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में से नहीं छूटने वाला है। और इसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो आप सभी लोग दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा दूसरे क्वेश्चन को जो आंसर होगा ना, इन द पैसेज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन इन फ्लोर। तो ये इसका उत्तर होगा ग्रीन हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। देखिएगा ग्रीन हार्वेस्टिंग का क्या आ जाएगा, पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर दे मैच्योर। तो तीसरे का उत्तर ए होगा। और चौथा देखते हैं, शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अलाउ फॉर इट। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, चौथे का उत्तर आपका डी होगा, डिप्लीशन ऑफ वाइटल न्यूट्रिशन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, द रिपेनमेंट प्रोसेस ऑफ आवर फ्लोर टू क्रिएट वाइट ब्रेड। देखिएगा इसका उत्तर होगा 23 एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी कि उसमें से कितने 23 एसेंशियल न्यूट्रिशन गायब हो जाते हैं ब्रेड में से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अतर इज टॉकिंग अबाउट। अतर जो है ना किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है द यूनिवर्सल फूड सिनेरो। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको लिख लेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है जिसमें कि लिखा है द वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिएगा 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इज गुड। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वायर्स। तो देखिएगा इसका उत्तर ए आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज इन रीच ब्रेड इंडिकेट्स फूटिंग। तो देखिएगा इसका उत्तर आएगा ए, अबाउट 8 ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन बेक इनटू द ब्रेड। तो देखिएगा इसका 9 का उत्तर ए हो जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर ये होगा डी नंबर का। आप सभी लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नोट मेकिंग समरी देखने को मिलेगी। अब नोट मेकिंग समरी आप लोग कैसे बनाओगे, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में दे रखी है। आप लोग वहाँ पर क्लिक करके नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लेंगे।
अब उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यू आर ऐश्वर्या पटेल, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी के जो क्वेश्चन ना, इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको एक अलग वीडियो में देने वाला हूँ। अभी जो आपके पेपर की मेन मेन चीज़ें हैं ना, उनको अभी हम समझ लेते हैं ताकि आप सभी का मोटा मोटा रिवीजन भी हो जाए और आप सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से सीख लें। इसी प्रकार का पेपर आपसे पूरा का पूरा त्रैमासिक में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि लिखा है लास्ट मंडे यू वेंट टू हॉस्पिटल टू सी यूअर फ्रेंड हु वाज एडमिटेड हियर देयर यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ए स्मॉल राइट अप ऑन द ए विजिट ऑफ ए स्पोर्टी हॉस्पिटल। तो देखिएगा ए विजिट टू ए हॉस्पिटल का आपको इन इन चीज़ों के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है, जो कि 120 शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लेना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपसे त्रैमासिक में पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यू लैंड मी ए $500। तो देखिएगा ऐसे जगह पर आपका कोड नहीं आएगा, माई आएगा। इस जगह पर आप लोग क्या भरोगे, माई आपको इस जगह पर भर लेना है, कोड आप लोगों को इसमें नहीं भरना है, माई भर कर आना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ही कैन राइट विद हैंड। तो देखिएगा इसी जगह पर आपको बहुत लिख लेना है। अगला सी माई पेन हाइड, इस जगह पर क्या आ जाएगा, हाइड। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो देखिएगा इसी जगह पर आपका लेस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस रिंग इज मेड फ्रॉम। तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्या लिख लेना, फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप भी ऑफ लिख लेना है। और हार्डली हैज स्टार्टेड ऑफ माई वर्क, इस जगह पर आपको वैन लिख लेना है। तो देखिएगा आप इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इंग्लिश ग्रामर की। वहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर ऐसे सारे वीडियो है, जैसे कि एप को हटाकर अनलेस वाला वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सो देट वाला वीडियो मिल जाएगा, ए सुन एज नो सुनर देन वाला वीडियो मिल जाएगा। तो सभी की सभी आपकी जो 12वीं की ग्रामर है ना, उसका सॉल्यूशन मैंने वहाँ पर आपको दे रखा है। तो वहाँ से आप लोग उनको देख लें और पूरा समझ लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कि आपका सेक्शन डी होगा, सेक्शन डी का सॉल्यूशन आप लोग कैसे पूरा कंप्लीट करोगे, यहां से देख लें आप सभी लोग। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा ये पैसेज आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट डज द नरेटर रिफर टू द एज ए पुअर मैन। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा एम हेमेल। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर सी आएगा, ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। तो देखिएगा दूसरे उत्तर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा तीसरे का उत्तर आपका डी आ जाएगा, और चौथे का उत्तर आपका बी होगा, और पाँचवें का उत्तर आपका ए होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लेंगे और पूरा इसको नोट भी कर लेंगे। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के जो आपके क्वेश्चन है ना, उनके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, जिसमें कि दिया गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिएगा यहाँ से आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे। और इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ दिस लाइब्रेरी डिवाइसेज हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन। तो देखिएगा इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सेकंड का आंसर भी सी होगा, और थर्ड का आंसर आपका ए आ जाएगा, और इसका जो नौवे का जो बी वाला भाग दिया ना, तो बी के आंसर इधर आपको देखने को मिलेंगे, ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ए होगा, दूसरे का भी बी होगा, और तीसरे का आपका ए आ जाएगा, और चौथे का भी आपका डी होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने पेपर को देख लें। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको एक अलग वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से उन वीडियो को देख लें। और इसके बाद में देखिएगा ये आपका पेपर है पूरा का पूरा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा है, 13 ये दिया गया, 14 ये लिखा है, और 15 ये लिखा गया। तो पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ से और इसे समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया, और आपके जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है ना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको अभी मैंने सेट ए उपलब्ध करवाया है, इसके बाद में शाम तक आपका सेट बी आ जाएगा, और सुबह आपका सेट सी आ जाएगा। अगर आप तीनों सेटों को अच्छे से लगा लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में मैं आप सभी को आपके अंग्रेजी विषय के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।